नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान को पवित्र बनाए रखने के लिए सिगरेट और तंबाकू के ऊपर 1 अगस्त से बैन लगाया जा रहा है। ये निर्देश डीसी रियासी की तरफ से दिया गया है। 1 अगस्त से पहले पहले जिनके पास भी स्टॉक है, जिन्होंने भी तंबाकू या सिगरेट खरीद के स्टॉक लाया हुआ है, वो बेच लें। और उसके बाद अगर बाहर से भी कोई यात्रु आ रहा है तो उनके लिए हम ये स्पष्ट कर दें कि वहां पर आपको माता वैष्णो देवी के स्थान के ऊपर कटरा में आपको सिगरेट और तंबाकू नहीं मिलेगा। इससे पहले वहां पर मांस और मदिरा के ऊपर बैन था, जो महाराजा हरि सिंह जी की तरफ से लगाया गया था। और अब ये फैसला लिया गया है कि उस स्थान को और पवित्र बनाए रखने के लिए सिगरेट और तंबाकू के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। इससे पहले कुछ इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक वहां से जानकारी ये मिलती है कि ड्रग्स का व्यापार भी बड़े पैमाने पर कटरा शहर के अंदर देखने को मिलता है। और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं और जो बाहर से कुछ लोग वहां पर जो काम कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर ये व्यापार वहां पर करते हैं, लेकिन इल्लीगल तरीके से करते हैं। शायद पुलिस के गिरफ्त में नहीं आते हैं, या हो सकता है मिली भगत से, जिस तरह से खबरें आती रहती हैं कि हाँ मिली भगत है, चल रहा है धंधा, तो चल रहा है, तो ये सब चीजें भी माता वैष्णो देवी के दरबार में चल रही हैं। वैसे तो पूरे मंदिरों के शहर में, पूरे जम्मू में ही, या जम्मू कश्मीर में ही हम ये कहें कि नशे का व्यापार तो होना ही नहीं चाहिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए। यहाँ पर ना सिगरेट भी मिलनी चाहिए, ना शराब, ना शबाब, कुछ भी नहीं। लेकिन ये अच्छा फैसला जो है वो डीसी रियासी की तरफ से लिया गया है। पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे। माता वैष्णो देवी के स्थान को पवित्र बनाए रखने के लिए मांस और शराब के बाद अब सिगरेट और तंबाकू की बिक्री के ऊपर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और 1 अगस्त से कटरा वह यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह से सिगरेट और तंबाकू बेचना जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा। कटरा की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो इससे पहले हमने जैसे आपको जानकारी दी कि इससे पहले महाराजा हरि सिंह जी की तरफ से फैसला लिया गया था कि वहां पर मांस और मदिरा जो है वो आप नहीं बेच सकते हैं, और इस ऑर्डर को 3-3 महीने के बाद एक्सटेंड किया जाता रहा है। कटरा और रियासी के जिला उपायुक्त जो हैं, उनकी तरफ से माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा को पवित्र बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है और कहा है कि 1 अगस्त से सिगरेट तंबाकू पर प्रतिबंध लग जाएगा। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिनके पास स्टॉक मौजूद है, वो लोग अपना स्टॉक 1 अगस्त से पहले पहले खत्म कर ले। उसके बाद अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके ऊपर फिर एक्शन भी देखने को मिलेगा। जो कानूनी प्रावधान है, उनकी वायलेशन अगर हुई तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि महाराजा हरि सिंह जी के समय से एक आदेश था कि कटरा व साथ लगते 5 किलोमीटर क्षेत्र में मांस और मदिरा जो है वो पूर्ण तरह से प्रतिबंध होता था। और इस प्रतिबंध के फैसले को प्रशासन हर तीन महीने के बाद बढ़ाया करता था, लेकिन अब माता वैष्णो देवी के स्थान पर आपको सिगरेट भी नहीं मिलेंगे, तंबाकू भी नहीं मिलेगा, ना आप लेकर आइए। अगर लेकर आएंगे और पकड़े गए तो फिर खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। खमियाजा ना भुगतना पड़े तो ये सब चीजें जो है वो माता वैष्णो के देवी के दरबार में लेके ही ना जाए। लेकिन हम ये गुजारिश जरूर करेंगे कि पूरे जम्मू शहर के अंदर ड्रग्स का व्यापार जिस तरह से फल फूल रहा है, मंदिरों का शहर अब शराबों का शहर हो गया है, इसके तरफ भी ध्यान दिया जाए कि ये मंदिरों का शहर बनाना शराबों का शहर नहीं, नशेड़ी गंजेड़ियों का शहर नहीं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।